रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परीजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममृतये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभवे श्रीमहात्मनि। नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रितानञ्च पालिने जीव दुखी सदा त्राय श्री नाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीभार सभानिधि दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रमाढ त्रिरूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी। नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतरूपं गौरमम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजो श्रीराधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पतरुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलगोविंद देव पृष्ठलिभिशब्दमान स्मरामि। श्रीमान रास रसारम्भे बंसी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपि गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृंदाय तुलसी देवकै प्रियाय केशवस्य च कृष्णवती प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम दवनाल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा बारी कृपा बारी दानी बंदी से गुरु चरण श्री हरि
कोई जरूरत नहीं, इसको सब बंद कर दो। Yeah.
संसार भितरे पड़िया छिनो आमी भवानी जाजना जाजना को महाजने पठाइया देखे पठाइया दिले तो दया करी मरे पति देखिया कहिला मारे गिया सर पीछे बैठे नहीं नहीं जरूरत सुना भाला कथा ना जाना सुना भाला कथा उलसी तहवे हिया उलसी तहवे प्रतिज्ञा राखी वार तरे रुक्म वर्ण विप्र सोता महाप्रभु न मे नदिया माता प्रभु न मे दिया माता तंगे भाई अब दोता तंगे भाई नीचा
कथा सुनिया हसिया नाथ तुम्हार चरण ताले भक्ति विनोद कांदिया कांदिया अधम पामर कांदिया कांदिया उधर का आपन काहिनी बोले हरे प्रपंचे पड़िया न देखियो पाया प्रपंचे पड़िया अगति न देखियो पाया गति चरणी शरण गति चरणी शरण सुनाही मोर साधन भजन नाही तुम्हें कृपा मय अमित कंगा आय तो की कृपा चाहिए उदर उपस्थ वेगा
नानक जतनी से सब जतनी छड़िया छियासा आमी अनाथ रनाथ डाकी तब नाम एक ना भरसा तो प्रपंच पड़िया गति आया ना देखी उपाय आर अगति अगति चरण प्रभु तब पद युगे मुरली विराना प्रभु तब पद युगे मुरली विराना Thank you.
ठाकुर समे भक्ति राओ भक्ति दिन Mandala Mahite Jaya Jaya Jaya
इधर इधर उधर ओ वहाँ मत इधर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्भुत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम हरि गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे? विदुर उद्धव संवाद। इसलिए उद्धव कहते श्री उद्धव उद्धव और श्री विदुर विदुर संवाद। हाँ, उद्धव विदुर ये संवाद को श्रवण कर रहे थे। कहते उद्धव जी की महिमा बता रहे हैं। कहते उद्धव कृष्ण लीला में इतने आकृष्ट इतने तन्मय रहते थे जब मैया उनको
बुलाया करती थी प्रसाद पाने के लिए, उस समय में भी वो कृष्ण को मूर्ति को लेकर के ही खेलते थे, कृष्ण का मूर्ति को लेकर के सोते थे। कृष्ण चिंता में हर समय उद्धव जी डूबे रहते थे। इसलिए तो यहाँ पर हम पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, इसलिए श्री उद्धव जी कह रहे हैं मैं जिनको साथ में रह करके भी लेकिन उनकी महिमा को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए हम लोगों ने एक श्लोक श्रवण किया था। कौन सा श्लोक है? कत जन्मर्त लीलो पैकम सोजोग माया बल दर्शितम विस्पापन स्वच्छ सौभग्य करदे परम पदम भूषणम भूषणांग में। इसलिए ये श्लोकों को हम लोग ने श्रवण किया था। उद्धव जी कृष्ण कितने सुंदर है कृष्ण हैं, कहते इतने सुंदर कृष्ण जिनके रूप देखने के लिए स्वयं लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ देती है, नारायण बच्चों को चोरी करते हैं। कहते कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का कथा सुन करके मथुरे से कृष्ण भी स्वयं विभोर हो जाते हैं, और वृंदावन का कृष्ण वृंदावन कृष्ण को अपना परिचय देख करके स्वयं भी मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए इतने सुंदर से कृष्ण हैं, इसलिए इस विषय पर हम लोगों ने बहुत कथा सुना था, याद है कि नहीं? हम लोगों ने बहुत बहुत कथा सुना था कैसे कृष्ण भूषणांग भूषणांग भूषण को जो भूषणत्व को प्रदान करते हैं। कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण क्यों भूषण धारण करते हैं? अपना सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसमें भूषण के ही सुंदरता बढ़ जाती है। उसके बाद में और एक श्लोक कहते हैं, बोले स्वयं तो सामात्य त्रय त्रिधीश। श्लोक बहुत ही बड़ा श्लोक, बाद में तुम लोग अच्छी तरह से लिख लेना। स्वयं तो सामाति सय त्रिधीश स्वराज्य लक्ष्माप्त समस्त काम बलिहरत भीर चिर लोक पालय कीर्त कोटि इद पाद पीठम। इसलिए इसमें कहते हैं कृष्ण का स्वयं तु असामात्य त्रय त्रिधीश। कृष्ण कैसे हैं? कहते स्वयं तु असामात्य सय त्रिधीश। कहते स्वयं तु, इसलिए हम पहले श्रवण किया था ना, कृष्ण के लिए स्वयं शब्द तीन जगह में कृष्ण के लिए स्वयं शब्द आया है। कहते एक तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक शब्द आया था, यहाँ पर श्री उद्धव जी कहते स्वयं तु है, यहाँ पर भी ये दूसरा श्लोक है। और जो तीसरा श्लोक है, देवता लोग जब गर्भस्तुति करते समय कहते हैं हरि भगवान स्वयं किला, वहाँ पर भी एक स्वयं शब्द आता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण कैसे हैं? कहते एक स्वयं तु असामात्य, मतलब भगवान के यहाँ पर कहते हैं भगवान असमर्थ तत्व है। असमर्थ तत्व मतलब क्या है? भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, जगत में भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। असामाति मतलब भगवान के समान में समानता को कोई प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी बड़े की बात छोड़ दो, भगवान के बराबर भी जगत में कोई नहीं, असामात्य। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक तरफ में तो कहते भगवान कैसे, बोले त्रयधीश्य। हाँ देखो त्रयधीश्य को तीन, इसका तीन अर्थ बताए। बोले त्रयधीश्य मतलब तीन का जो इष्ट है, बात तीनों को ऊपर में जिनकी प्रभुत्व, त्रयधीश्य मतलब तीनों को ऊपर में जिनकी प्रभुत्व है। बोले किसको ऊपर में? एक में तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कहता तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न श्री जब बुझते बात से, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संधार। इसलिए जो जिनको ऊपर में तीनों को ऊपर जिनकी अधीश मतलब प्रभुत्व, कहते ये तीन। दूसरा कौन? कारण तो गसाई गर्भ तो गसाई और खिराबधिशाई है, ये तीनों को भी जो ईश्वर है, इनको ऊपर में भी जिनकी ईश्वर है। और तीसरा जो त्रयधीश कहते हैं, बोले चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति, कहते इसका जो नियामक है, कहते एक चित शक्ति और जीव शक्ति और एक माया शक्ति, इनका जो नियामक, इसको जो नियम न करने वाले, इनको जो कंट्रोल करने वाले, इसलिए त्रयधीश। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एक तरफ में तो भगवान की जो अद्भुत जो महिमा, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश,
जिनके अधीन है, जिनके आदेश पर पालन करते एक तरफ में, लेकिन दूसरे तरफ में भगवान के अंदर में कैसे ऐश्वर्य और कैसे माधुर्य देखने को मिलता है। ऐश्वर्य तो सबको ऊपर में जिसका प्रभुत्व है, भूर भुव मोह तीन लोगों के ऊपर में, वैकुंठ स्वर्ग और मर्त्य जग इसको ऊपर में भी भगवान की आदेश है। मतलब विश्व ब्रह्मांड जिनकी इच्छा से कंट्रोल होता है, एक तरफ में विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन दूसरे तरफ में जो उग्रसेन को पास में ठाकुर जी हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं, मतलब एक तरफ में सभी को प्रभुत्व को स्थापन करते, दूसरे तरफ में भक्तों का प्रेम में अधीन। जब उग्रसेन महाराज हाथ जोड़ करके आपका क्या आदेश है, आपका क्या आदेश, आपका क्या हम आदेश पालन करें, इसलिए दोनों तरफ में दिखा रहे हैं, एक तरफ में सभी का मालिक है और दूसरे तरफ में भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कहते स्वयं तु असामात्य त्रय त्रिधिस बोले स्वराज्य लक्ष्माप्त समस्त काम, कहते स्वराज्य लक्ष्माप्त समस्त काम, कहते स्वराज्य मतलब अपना राज्य क्या है, कहते निज अंश बा भक्तगण, भगवान का राजत्व मतलब भगवान के राजत्व कहाँ पर है, अपना भक्तों के ऊपर में भगवान की राजत्व, मतलब भक्त लोग भगवान के प्रेम में भक्त लोग ही वशीभूत होते हैं भक्तगण, और शक्तिगण और जितना लीला समूह ऐश्वर्य माधुर्य सकल सहित जो विद्यमान, स्वराज्य मतलब होता है अपना राज्य को साथ में जो रहते हैं। कहते भगवान का राज्य क्या है, कहते भक्तगण ही भगवान की संपत्ति है और उनका शक्तिगण भी भगवान की संपत्ति है, और उनका जो लीला है और ऐश्वर्य माधुर्य को साथ में ये विद्यमान रहते हैं, ये स्वराज्य। कहते लक्ष्माप्त, कहते लक्ष्माप्त मतलब क्या, लक्ष्मी अर्थ संपत्ति है, ताहर द्वारा सकल वांछा जहाँ के प्राप्त कराए, ताहर द्वारा सकल वांछाई जहाँ के प्राप्त कराए। कहते जो लक्ष्मी है, हैं भगवान की जो लक्ष्मी है, यहाँ पर कहते ताहर द्वारा सकल वांछाई जहाँ के प्राप्त कराए, लक्ष्मी को द्वारा ही भगवान के सारे इच्छा लक्ष्मी को द्वारा ही पूरी होता है। कहते समस्त काम भगवान कैसे हैं, बल कहते ना आप्तर आप्तराम और आप्त काम, आप्तराम आप्त काम मतलब जो स्वयं परिपूर्ण, कोई जरूरत नहीं, कोई आनंद देने पर भगवान आनंदित होते हैं, कोई इनकी इच्छा पूरी करने वाले, बोले ऐसे नहीं भगवान स्वयं जो आत्माराम अपना आत्मा में रमण करने वाले, और आप्त काम मतलब है जो परिपूर्ण कामना है। ऐसे उद्धव जी हैं, कहते ऐसे जो भगवान हैं, उद्धव जी यहाँ रो रो करके कहते हम ऐसे जो भगवान कृष्ण को इतना जो ऐश्वर्य है, हम कैसे उनको भूल सकते भगवान कृष्ण को। दूसरे लाइन में कहते बलि हरद भीर चिर लोक पालई किरीट कोटि इद पाद पीठ, हैं कि जगत में जितने लोकपाल हैं, हैं कहते जितने सारे लोकपालों का जो मालिक है, बोले किरीट कीट इद पाद पीठ, भगवान जब बैठते हैं सिंहासन पर और भगवान अपना पैर जिसको पर रख करके बैठते हैं, जितने ब्रह्मा हैं कि जितने ब्रह्मा जितने शिव ये सब के सब क्या करते हैं, जा करके ठाकुर जिस सिंहासन के ऊपर अपना पैर रखते हैं, वो जा करके अपना चरण को क्रीट को ईट ईट मतलब प्रणाम करना, पाद पीठम जिनके चरण में जा करके अपना शरण को अपना सर को जा करके नमन करते। तो यहाँ इस यहाँ पर प्रमाण देते हैं, जैसे एक समय ब्रह्मा जी चैतन्य चैतन्यमृत में आता है ना, एक समय ब्रह्मा जी भगवान द्वारकाधीश को साथ में मिलने के लिए गए, जब मिलने के लिए गए वहाँ पर बोले मैं ब्रह्मा ठाकुर जी कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, जो द्वारपाल था बोले मैं भगवान से आदेश लेकर के आता हूँ। जब उन्होंने भगवान को पास में आदेश लेने गए तब भगवान ने उनको पूछे उनको पूछना जे ये कौन सा भगवान कौन सा ये ब्रह्मा है, तो उसने आकर के पूछा ठाकुर जी का प्रश्न है आप कौन सा ब्रह्मा है। इसको सुनते ही तो नारद ब्रह्मा जी के एकदम पारा चढ़ गया, बोले उनको पूरा पारा चढ़ गया, हम बोले कौन ब्रह्मा, उनको बड़ा क्रोध आया। वो ये सोच रहे थे जे क्या ब्रह्मा हैं, कहते क्या ब्रह्मा 10-20 ब्रह्मा होते हैं, उनको ये लगता था हम एक ही ब्रह्मा
और चतुर्मुख ब्रह्मा सनक पिता ब्रह्मा जो जगत को सृष्टि करने वाला हूँ। उन्होंने तो बड़ा क्रोध से बोले, जाओ भगवान को बोलो। दस बीस क्या ब्रह्मा होते, सनक पिता जगत का सृष्टि करता चतुर्मुख ब्रह्मा। तो उन्होंने जाकर के ऐसे ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी उनको जो मैंने पूछा कौन सा ब्रह्मा सुनते, तो उनका परा चढ़ गया गुरु में, हैं बड़ा क्रोध आ गया। ठाकुर जी समझ गए, ये समझ रहे एक ही ब्रह्मा है। तब उन्होंने बोले जाओ उनको बुला करके ला, जाओ बुला करके ले गए। इतने में ठाकुर जी ने पूछा, सब ठीक ठाक हो, तुम्हारा देश सब सही चल रहा है? इतने बोले, ठाकुर जी एक प्रश्न करने की इच्छा है। बोले अभी मेरे को थोड़ा मंत्र जप करने का समय है, थोड़ा तुम कोने में खड़े हो जाओ। तब ब्रह्मा जी एक कोने में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए इतने में भगवान ने जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है एक एक ब्रह्मा को उन्होंने स्मरण किया। इतने में देखा कहीं से एक इनका तो सर था चार सर, देखा आठ सर वाले ब्रह्मा आए। आकर के जो ठाकुर जी सिंहासन के ऊपर उन्होंने प्यार रखा था उसको, उनको कान में कुंडल है और मुकुट है, जब उन्हें प्रणाम किया उनको इतने सारे कुंडल आठ मुकुट है, आठ का कुंडल झान करके आवाज होता था। जब उनके चरण जिस सिंहासन के ऊपर रखे थे उसके ऊपर प्रणाम करते थे। तब इतने में फिर उन्होंने स्मरण किया और एक ब्रह्मा को देखा, वो तो 16 स्वर वाले ब्रह्मा जी आए। फिर देखा 32 स्वर वाले ब्रह्मा जी आए, देखा 64 स्वर वाले ब्रह्मा जी आए, 10 मुख वाले शंकर जी आए, 20 मुख वाले शंकर जी आए, 40 स्वर वाले शंकर जी आए, 80 स्वर वाले शंकर जी आए, 160 स्वर वाले शंकर जी आए। सबके सब ठाकुर जी जिस सिंहासन में प्यार रखे हुए इसमें जब कर प्रणाम करते थे झन 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 करके आवाज हुआ करता था। इसलिए कहते हैं, कहते क्रीटि कोटि इद पाद पीठ, उनका पाद पीठ में जो क्रीटि है जब सर को झुकाते में झन करके आवाज होता था। अभी कहते ये ब्रह्मा जी का क्या अवस्था है, और भगवान सबसे पूछ रहे राज्य ठीक ठाक चल रहा है, राज्य तुम्हारे ठीक ठाक सब चल रहा है? बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से सब ठीक ठाक चल रहा है। इतने में ब्रह्मा जी का अवस्था क्या, कैसे उदाहरण दिया, जैसे हाथी को बीच में जैसे मच्छर है ना, इसको हाथी को बीच में जैसे मच्छर की अवस्था। ब्रह्मा तो अक्के बक्के चक्के रह गए, बोले हे भगवान मैं तो सोच रहा था मैं ये ब्रह्मांड का मैं ही सृष्टि करने वाले चतुर्मुख सनक पिता ब्रह्मा, मैं देख रहा हूँ सबसे छोटा ब्रह्मा मैं हूँ और सबके सब ब्रह्मा हमसे बड़े हैं। इसलिए कहते भगवान की एक एक लोक रूप में एक ब्रह्मांड नहीं, कितने ब्रह्मांड ठाकुर जी के एक एक लोक में विद्यमान है, हैं। इसलिए यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं ठाकुर जी का जो महिमा है इसको कोई नहीं समझ सकते। और एक कथाकार और एक कथा सुनाते थे, देख ध्यान रखना। बोले एक समय हमारी जो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा के मन में अभिमान हो गया। बोले क्या अभिमान हो गया? बोले ये जगत को मैं सृष्टि करता हूँ, भूर भूव मोह जन तप सत्य अतल बितल तलातल सुतल पाताल, इसको मैं सृष्टि करता हूँ, हाँ इसका मैं सृष्टि करता हूँ, उसको सार देखभाल करता हूँ मैं, लेकिन इतना बड़ा मैं काम करता हूँ, लेकिन ठाकुर जी कभी मेरे को थोड़ी सी बाहवा नहीं देते, बाहवा समझ दो शाबाश नहीं देते, हैं शाबाश नहीं देते, थैंक यू तो कम से कम बोलेंगे, बेटा तो इतना बड़ा काम करते हो। अब दुनिया में देखना अगर कोई एक फैक्ट्री चलता है जिसमें 10-20-100 जैसे टाटा बिरला अंबानी कंपनी वाला, इनको जाकर पूछो रात में नींद आता कि नहीं, कितना टेंशन है इन लोगों के अंदर, कितने चिंता कितना टेंशन होता था, उधर ये हो गया उधर ये हो गया उधर ये हो गया, मतलब ये साधारण लोगों के अंदर कितना टेंशन है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड को जो सृष्टि करने वाले उनको मन में कितना टेंशन नहीं होगा, कितना बड़ा काम नहीं होगा। उसने सोचा ठाकुर जी कम से कम थोड़ा शाबाश तो बोले, ठाकुर कभी मेरे एक बार कभी थैंक यू भी नहीं बोलते। एक दिन इनके मन में अभिमान हो गया, बोले अभी जा करके मैं ठाकुर जी को बोलता हूँ, हैं ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी मुझको एक महीना के लिए मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, और जब मैं एक महीना के लिए रेस्ट लूँगा ना, जब स्वयं ठाकुर जी को ये काम करना पड़ जाएगा फिर तो उनको सारी बात पता चल जाएगा मैं कितना बड़ा काम करता हूँ।
हैं। इतने में ब्रह्मा जी आए, आ करके उन्होंने ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी मैं एक महीना छुट्टी लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे, अगर मैं इतना बड़ा जगत को सृष्टि करता हूँ, अगर एक महीना अगर मैं बोलूँ छुट्टी लेने के लिए, ठाकुर तो कम से कम बोलेंगे भैया एक महीना क्यों छुट्टी ले रहे हो, इतना बड़ा काम जगत को सृष्टि कर दो भैया, थोड़ा कम समय लो, इतना तो बात बोलेंगे थोड़ा कम समय तो लो। लेकिन जब उन्होंने बोले मैं एक महीना छुट्टी चाहता हूँ, ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं जा, एक महीना के लिए तेरे को मैं छुट्टी देता हूँ। ब्रह्मा तो आश्चर्य में पड़ गए, ठाकुर तो आसानी से बोल दिया एक महीना छुट्टी लो, ठाकुर को तो बोले ही नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा जी निकल रहे थे ना, ब्रह्मा जी के तो चार सर है, देखा एक आठ सर ब्रह्मा जी हंस वाहन के ऊपर बैठ कर बड़े तेजी से आ रहा था। बोले भैया ये कौन, ब्रह्मा तो सोच रहा था मैं ही सबसे बड़ा और कोई बड़ा नहीं। उन्होंने देखा आठ सवार ब्रह्मा और इतने तेजी से आ रहे, तो उसने रुकने के लिए कुछ, भैया तू कहाँ से आ रहे हो, इतने आठ सर वाले ब्रह्मा हैं, इतने बड़ा तू आ रहे को, रुकने के लिए कोशिश किया, तो रुको सर बात करना चाहता हूँ। बोले मेरे पास में कोई समय नहीं, पीछे ब्रह्मा से बात करता। पीछे मोड़ कर देखा, देखा सौर सोलह सर वाले ब्रह्मा वो भी हंस वाहन के ऊपर बैठ बड़े तेजी से ठाकुर के दरबार में आ रहे। उसने पूछा भैया सब बड़े बड़े ब्रह्मा कहाँ से आ रहे, उनको रोकने के लिए कोशिश किया, फिर रोको, बोले मेरे पास में समय नहीं, पीछे ब्रह्मा से बात करो। बोले पीछे और भी बड़ा ब्रह्मा, देखा देखा 32 साल वाले ब्रह्मा हंस बाहर के ऊपर उड़ते हुए आ रहे। बोले अरे इतने बड़े बड़े ब्रह्मा, कोशिश किया थोड़ा रुको, भैया कहाँ से आ रहे हो, क्या बात। बोले पीछे बोले और बड़ा ब्रह्मा, देखा वहां पर था 32 साल वाले, फिर देखा 64 साल वाले ब्रह्मा, तो अक्के बक्के चक्के हो गए, एक एक ब्रह्मा आ रहे। लास्ट में कोई ब्रह्मा तो इसको बात सुनने नहीं चाहा, लेकिन जो लास्ट जो ब्रह्मा था उनने बहुत कष्ट करके उनको रोका। लास्ट जो ब्रह्मा बोले भैया ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा हो, क्यों इतने तेजी से जा रहे हो। तो देखो ये जो ब्रह्मांड जिसका तुम सृष्टि करने वाले हो, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड ऐसे ठाकुर की एक एक लोक कूप में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड बस विद्यमान है, हैं विद्यमान है। लेकिन तुमको ऐसे लगता है मैं ही सबसे बड़ा, लेकिन तू सबसे छोटा है, सबसे छोटा तू हो। इसलिए बोले तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, बोले इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड है, हम वहाँ के हम लोग सबके सब सृष्टि करने वाले। बोले बोले अंदर में क्यों जा रहे हो, बोले इसलिए जा रहे हैं एक दिन हमारे मन में अभिमान हो गया था, हम इतने बड़े ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, ठाकुर जी कभी हमें बाहवा नहीं देते, भैया थैंक यू तो कम से कम बोलेंगे, इतने बड़े काम कर रहे हो। फिर बोले एक दिन हमने ठाकुर के पास में गए, हमने सोचा एक महीना के लिए छुट्टी ले जाते हैं, अगर भगवान को ये काम करने पड़ जाए ना, फिर पता चलेगा ठाकुर जी को हम कितना बड़ा काम करते हैं। बोले फिर क्या हुआ, बोले हमने जब छुट्टी लिया ना, हमारा पूरा छुट्टी हो गई, हमारी नौकरी चली गई, अभी हमारा कोई काम नहीं, हम तो बैठे हुए। बोले फिर अंधेरे में क्यों जा रहे हो, हमने सुना कोई है कि ब्रह्मा को मन में ऐसे अभिमान आया तो उसने एक महीना के लिए छुट्टी लिया, हो सकता है ये पोस्ट हमें मिल सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वो ब्रह्मा तो साफ पकड़ कर वहीं बैठ गए, बोले लगता है मेरी ब्रह्मा पद गया है, मेरी ब्रह्मा पद चला गया। इसलिए भगवान की ये विभूति है, ठाकुर जी की ये वैभव है। इसलिए ब्रह्मा तो लास्ट में बताया जानंतु एव जानंतु, अगर कोई कहता है मैं भगवान का जानता हूँ उनको जानने दो। ब्रह्मा कहते हैं मैं चतुर्मुख ब्रह्मा जगत को सृष्टि करने वाले, कहते धूल का कण को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन ठाकुर जी की महिमा को कोई नहीं समझ सकते, ऐसे भगवान की विभूति। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की, उद्धव जी भगवान की महिमा को गा रहे, इसको याद रहेगा ना, आज शाम को तुमको सुनाऊंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे बोलते बोलते ना सीखोगे, ठीक है। और जो पूछना आकर के हमसे पूछ लो ना, हम बता देंगे एक एक छोटी छोटी कहानी समझाते, अगर धीरे धीरे बोलोगे ना, मैं भी बेवकूफ आदमी हूँ, इसलिए हम बोलते बोलते, इसलिए तुम भी कोशिश करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं भगवान की ऐसे महिमा है, ठाकुर जी की ऐसे महिमा है, इसलिए
लोकपाल को द्वारा जिनकी चरण की स्तुति होते है। इसलिए उसके बाद में उद्धव जी ठाकुर जी के और एक श्लोक से उनका और एक महिमा गा रहे हैं। बोले कौन सा है? बोले अहो बकियम, हम कहते ना जिसको सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मा में जो डूबे हुए थे, इसी श्लोक को सुन करके सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ध्यान को ज्ञान को छोड़ करके वो भक्ति में आए। यही श्लोक है, ये श्लोक श्री उद्धव जी हैं। उद्धव जी ठाकुर जी की महिमा गा रहे। ठाकुर जी की कितने महिमा, बोले कितना महिमा है। ऊपर बैठो, ठंडा में क्यों बैठ रहे हो? ठीक, इसलिए कहते अहो बकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासया अपि असाब्धि लेभे गतिम धात्र चितम कत्वन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। कहते अहो बकियम स्तन कालकूटम, यहाँ पर उद्धव जी कह रहे ठाकुर को कितने महिमा, उनको कौन भूल सकता है, हैं? ठाकुर जी को कौन भूल सकता है? इतने जो सुंदर ठाकुर जी, इतने जो दयालु, इतने जो कृपालु, दुनिया में कृष्ण जैसे दयालु कृपालु जगत में कोई नहीं। जगत में अगर सबसे कोई दयालु कृपालु हमारे श्री कृष्णचंद्र है। इसलिए ये श्लोक में ये बता, बोले अहो बकियम स्तन कालकूटम, कहते हैं है? कहते जो केवल पुतना, जब कृष्ण केवल 6 दिन में थे, कहते ना, कहते वीर बान होनहार की होते ही चिकने पाल, समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? वीर बान होनहार के होते ही समझ रहे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं? वीर बान होनहार की होते ही चिकने पाल। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति भविष्य में बड़ा होगा ना, वो पहले से जैसे छोटा बच्चा होता ना, हम कहते थे बड़े दिमागदार है, इसलिए इसलिए कहते जैसे कोई छोटा बच्चा जब उसको जो एक बार सुनते झट कैच करता है और बड़ी क्लास में बढ़िया, फिर क्या सोचते एक दिन ये बच्चा जा करके बढ़िया बनेगा, हैं? कहते जैसे कोई पौधा हम जब बोते हैं ना, जब पहले वो पौधा निकलता है एकदम अब हिष्ट पृष्ट होकर निकले, हम समझते ये पौधा बड़े होकर के पेड़ बहुत बढ़िया होगा, हाँ बचपन में ही उसकी महिमा प्रकाश पाते। इसलिए कहते हैं हमारे कृष्ण कितने दयालु कह रहे हैं। कृष्ण को जब कितना दिन था, बोले 6 महीना कृष्ण को था, 6 महीना में जब नहीं 6 दिन था कृष्ण का, तब 6 दिन में ही उनकी महिमा को प्रकाश हो गया, 6 दिन में। तो बड़े होकर के वो कैसे होंगे अपने आप पता चलता है 6 दिन में। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं देखो हमारे जो कृष्ण कितने दयालु, जब वो 6 दिन के था वो 6 दिन में घर में पुतना आई है, हैं? जब 6 दिन में पुतना घर में आई कैसे स्तन में कालकूट जहर लेकर के, हैं? कहते अहो बकियम स्तन कालकूटम, कहते बकी मतलब कहते बकासुर का बहन ये पुतना थी, बकी मतलब बकासुर का जो बहन थी, बोले जो स्तन कालकूटम अपना स्तन में कालकूट जहर लेकर के आए थे। बोले क्यों? बोले जिज्ञासया, वो कृष्ण को मारने के लिए वो आई थी, हैं? कृष्ण को मारने के लिए आई थी, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विनाश कर मातृभाव। लेकिन उसने जो थोड़ी सी नाटक की थी, मातृभाव दिखा, केवल माँ की भाव थी नहीं, उन्होंने केवल प्रकट किया, क्या बोले, बोले मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उन्होंने केवल नाटक किया, केवल उन्होंने माँ की उसने नाटक किया, और कृष्ण 6 दिन के था, लेकिन केवल उन्होंने लीला की नाटक की उन्होंने, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया उसको जो मारने के लिए आए थे स्तन में कालकूट जहर, जहर राक्षसी बच्चों को खून नहीं पड़ने वाले को ठाकुर ने क्या दिया, गोलोक वृंदावन ने स्थान दे दिया। बोले कौन सा स्थान दिया? कहते वहां पर 2 धाई है, कितना धाई है? मैया जसोदा की अनुगत में जो सेवा करती है, कहते 2 धाई, कहते एक अंबिका और एक किलिंबिका, ये नाम लिख लो, अंबिका अंबिका और एक किलिंबिका, ये कहते ये जो कृष्ण को स्तन पिलाने वाली ये 2 है, मैया जसोदा की अनुगत्य में ये दोनों सेवा करती हैं। कहते ठीक धात्र चित्तम, जो ये जो 2 व्यक्ति जो धाई माँ 2 चित्त, चित्त मतलब किलिंबिका और अंबिका, इनका पद ठाकुर ने दिया धाई जैसे, धाई माँ जैसे, इसलिए चित्त मतलब जैसे उनको उन्होंने उनको गति प्रदान किया है। अगर ऐसे 2
कृष्ण 6 दिन में अगर इनका गुण इतना प्रकाश हुआ, बड़े होंगे तो बड़े दयालु तो होंगे। इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, जो करुणा के सिंधु और दीनों का जो बंधु है भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। कद भक्त का केवल वेश धारण मात्र में ही है और ऐसे प्राप्त हुआ, और श्री कृष्ण को विद्वेष करने वाले व्यक्ति को भी भगवान ने मुक्ति और भक्ति लाभ होता है। इसलिए भगवान की जो असाधारण जो भगवान का गुण इसको जरा प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर एक दो उदाहरण देकर कथा के माध्यम से कहते हैं। बोले एक समय हैं मुकुंद बड़े सुंदर हैं, ये जो पुतना को भगवान जो इतने गति दिया, एक समय श्री बड़े सुंदर मुकुंद गान गा रहे थे। गाते ही उसमें राक्षसी पुतना, क्या बगला में एक भजन है, राक्षसी पुतना ईश्वर मारित बधित गेल ताहरे वो मातृपद दिले ने ईश्वर नाभज अभद जीव है न दयाल। जो राक्षसी पुतना जो भगवान को मारने के लिए गए थे, भगवान उसको क्या दिया, उसको अपना माँ की पद दिया। इसलिए जगत में नाभजे अबोध जीव है न दयाल रे, लेकिन जो जीव है ऐसे जो दया करने वाले कृपा करने वाले कृष्ण को भजन नहीं करते। इसलिए कहते इतने में जो विद्यानिधि नाम है, विद्यानिधि पता, विद्यानिधि कौन है, विद्यानिधि कौन था, कहते ये पुंडर की विद्यानिधि, कहते ये थे कृष्ण लीला में, ये कौन थे, वृषभानु महाराज, कृष्ण लीला में ये थे वृषभानु महाराज। लेकिन इनका जो ड्रेस था ना, ऐसे कपड़े पहनते थे मखमल वाले कपड़े, और बाल का क्या श्रृंगार, होठ में लिपस्टिक हैं, और जो जिस बेड के ऊपर सोते थे एकदम मखमल वाले एकदम बेड, दोनों तरफ में मसल क्या उसको फिगदर है, हाँ जो बड़े सुंदर तकिया, और बड़े अब पान चिबाया करते थे, सारा शरीर में सेंट लगा करके 8-10 सेबक जिसमें थुकते थे वो सोने की पिकदानी होता था, हैं पूरा शरीर में सेंट 8-10 सेबक, कोई पंखा झुलाता था, कोई उनका चामर बेजत, उनका जो बेस था ना ऊपर का इतना सुंदर एकदम राजा महाराज जैसे। बोले एक समय जो गदाधर पंडित महाप्रभु का जो परिकर जो गदाधर पंडित, अगर इनको कहीं पता चलता था कहीं वैष्णव आए हैं, वो जरूर दर्शन करने के लिए जाते थे वैष्णव को। एक दिन मुकुंद ने गदाधर को बोले देखो एक बहुत बड़े वैष्णव आए, चलो हम दर्शन करके आते हैं। अभी उन्होंने वैष्णव का नाम सुनते खुश हो गए और दर्शन करने के लिए गए वैष्णव को। जब दर्शन करने के लिए गए, उनका जो हाव भाव उनकी जो रहन सहन ना देख करके इनका तो मन खराब हो गया। अरे बीच बीच में शीशा में देखते हैं कैसे मैं दिखता हूँ, बीच बीच में मतलब एकदम पक्के भोगी जैसे। अभी इनको देख करके तो इनका मन इकट्ठा हो गया, बोले ये कौन सा वैष्णव को दर्शन कराने के लिए, ये तो महाभोगी है, ये तो महाभोगी किसको दिखाने के लिए ले आए। इनके मन में तो उनको प्रति बहुत बुरा भावना हो गया। इतने में मुकुंद ने देखा इनको तो ले करके आए वैष्णव को दर्शन कराने के लिए, लेकिन इनको प्रति तो उनका पूरा मन खराब हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अहो बखियम स्तनकाल कुटम, इन्होंने फिर यही श्लोक को उन्होंने व्याख्या किया। हमारे कृष्ण जब 6 दिन के थे पुतना के इसे मारने के लिए इतना दुष्ट आई, लेकिन कृष्ण इतने दयालु, उनकी गुण अवगुण प्रभु देखो ना कहो नहीं देखकर उनको गोलोक वृंदावन स्थान दे दिया। जब उन्होंने ये श्लोक को बोले ना, इतना सुनते ही जो पुंडरी के विद्यानिधि थे अपना कपड़े को फाड़ने लग गए, हा कृष्ण बोलकर रोने लग गए, पछाड़ खाए हाँ, उनका जो सुंदर केस कहाँ चला गया, सुंदर ड्रेस कहाँ गया, बिस्तरा कहाँ गया, कृष्ण प्रेम ऐसे एकदम उन्माद हो गए। इसको देख करके गदाधर जो पंडित थे बोले भैया ये तो परम वैष्णव है, ऐसे कृष्ण प्रेम की विकार मैंने तो इनके चरण में अपराध मैंने कर दी है, इनके चरण में मैंने अपराध कर दी। इसलिए फिर उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इसलिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं है? ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण दयालुता है। बोले संतावतार बहव पंकज नाभ सर्वोत्र भद्रा, इस श्लोक को लिखना,
कृष्णा धन्य को भा, उसके बाद में इसलिए कहते हैं संतो अवतार बहव पद्म पंकज नावस्य, मतलब जो भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम, बहुत सारे अवतार हैं। कृष्णा धन्य को वा लता सो अभी प्रेमदो भवती, लेकिन ऐसे कोई अवतार क्या हुए हैं जो लता पताओं को भी प्रेम दिया? किसी ने लता पताओं को प्रेम नहीं दिया, भगवान की तो बहुत अवतार हैं, लेकिन अगर किसी ने लता पताओं को भी अगर कोई प्रेम दिया ना, केवल भगवान कृष्ण ने दिया प्रेम है। और उनसे भी ज्यादा दयालु महाप्रभु, जो हाथी को भी प्रेम दिया, बाघ को भी प्रेम दिया, सर्प को भी प्रेम दिया है, पशु पक्षियों को, महाप्रभु जब जा रहे थे झारखंड में, जितने सब जानवर थे महाप्रभु साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, महाप्रभु जब चल रहे थे उनके साथ साथ में भी पशु पक्षी भी हरि बोल करते करते चल रहे थे। अभी भी झारखंड में हमारे दिजो प्रभु वहाँ पर बहुत भक्त लोग करके लेकर गए, अभी भी वो हाथी का चरण चिन्ह है, अभी भी वो शेर का पंजा का चिन्ह है, और जहाँ पर सर्प लेटा हुआ था ना, अभी भी पूरा एकदम पिघल करके अभी भी पत्थर के ऊपर अभी भी सब चिन्ह है हमारे दिजो प्रभु भक्त लोगों को वहाँ पर। हाँ, पिछली बार कुछ भक्तों को लेकर गए थे, एक बार होगा तो हम भी कोशिश करेंगे एक बार दर्शन करने के लिए झारखंड को, उस तरफ में कहीं है, इसलिए देखेंगे अगर सुविधा होगा हम भी एक बार जा करके दर्शन करके आएंगे। इसलिए कहते हैं विज्ञ जनर जद हाय यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्यजी भजे तारे उद्धव प्रमाण। यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई सचमुच से कोई पंडित हो, यहाँ को लिख दो, विज्ञ जनर हाय यदि कृष्ण गुण ज्ञान, विस्तार से विज्ञ जनर हाय यदि कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्यजी भाजे ताते उद्धव प्रमाण। अगर कोई सचमुच से कोई पंडित व्यक्ति हो, अगर उनको कृष्ण का गुणगान अगर उनको पता चले, कृष्ण कितने दयालु, क्या करें अन्य त्यजी, अगर वो व्यक्ति और किसको भजन करता होगा तो उसको छोड़ करके क्या करते हैं भगवान कृष्ण को ही भजन करते, जो विज्ञ व्यक्ति, उसका प्रमाण क्या बोले, इसका प्रमाण श्री उद्धव जी इसकी प्रमाण है। इसलिए कहते यहाँ पर श्री उद्धव जी विदुर को बोल रहे, बोले देखो जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर जा रहे थे उस समय हम दो व्यक्ति थे, कौन कौन थे, बोले कि उद्धव थे और एक मैत्रेय थे, मैत्रेय भी वहीं पर थे, और जो भगवान गए उसी समय में ये मैत्रेय को बोल कर गए, देखो मैत्रेय मेरा और भी एक भक्त है जिसका नाम विदुर है, मैंने तुमको जो ज्ञान दे करके जा रहा हूँ मेरे भक्त विदुर को भी ये बात तुमने सुना देना। इसलिए उद्धव जी ने कहा मेरे को प्रभु का आदेश है बद्रीनाथ में जाने के लिए, इसलिए मैं प्रभु का आदेश को पालन करने के लिए बद्रीनाथ जा रहा हूँ, और जितने सारे ठाकुर ने तत्व ज्ञान दिया ये मैत्रेय को पास में, इसलिए तुम जाओ जा करके श्री मैत्रेय से सारे ज्ञान को तुम प्राप्त करो। तब श्री ये बात सुनते ही विदुर जी दौड़ दौड़ करके आए, किसको पास में, श्री मैत्रेय को पास में आए। कि जब एक साधु साधु से मिलते हैं, हमने पहले बताया ना चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोड़ और अंग से अंग मिले और हर्षद एक करोड़, हरिजन से हरिजन मिले वहां से एक करोड़, मतलब चार मिले चौसठ खिले, चार मिले मतलब दो जब संत मिलते उनका दो आंख इनके दो आंख, दो दो कितना हो गया चार, चार मिले चौसठ खिले, मतलब जब एक भक्त दूसरे भक्तों को मिलते हैं प्रसन्न हो जाते हंसते हैं, इसलिए हमारे बत्रीसदांत उसका भी बत्रीसदांत कितना हो गया चौसठ खिले, बोले दस रहे बीस रहे कर जोड़, दोनों दोनों को प्रणाम करते, इनका भी दस अंगुल उनका भी दस अंगुल, कितना हो गया बीस अंगुल, इसलिए बीस रहे करो जोड़, बोले हरिजन से हरिजन मिले, जब एक हरि भक्त से एक हरि भक्त मिले वहाँ से एक करोड़, मतलब हमारा जो रोम रोम खिल उठता है, कहते एक व्यक्ति शरीर में है वहाँ से एक पचास हजार रोमावली है, पचास हजार हमारी रोमावली, पचास हजार रोमावली पचास हजार कितना हो गया वहाँ से बस दोनों खिल उठे। इसलिए जब मैत्रेय और जो विदुर जी मिले बस दोनों मिलते ही
बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े प्रसन्न होकर के दोनों से मिले और दोनों को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए तो उन्होंने कहते मैत्रेय कैसे है, बल्कि जिनका हृदय बड़ा सरल हृदय है, जिनकी करुणा युक्त बड़े संतुष्ट रहने वाले, इसलिए हर समय प्रसन्न रहने वाले ऐसे जो हैं, जो मैत्र विदुर जी से प्रश्न किया, आप बताओ ठाकुर जी ने मेरे लिए क्या धरोहर रूप में रख कर जाए, आप कृपा करें मेरे को सारी कथा सुना। फिर उन्हें क्या कथा सुनाया, फिर हम उसको साल का पहला दिन में सुनेंगे। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल की जय।